नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। डायन बिसाही के आरोप में हत्या की घटनाओं को देखते हुए बुंडू, तमाड़, सोनाहातु, राहे, दसम फॉल थाना क्षेत्रों के ओझा एवं तांत्रिकों की एक सूची तैयार कर जनप्रतिनिधियों अथवा एनजीओ के माध्यम से डायन बिसाही के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने के निर्देश बुंडू डीएसपी अजय कुमार ने बुंडू, तमाड़, सोनाहातु, राहे एवं दसम फॉल थाना प्रभारियों को दी है। उक्त निर्देश शुक्रवार को डीएसपी बुंडू अपने कार्यालय में आयोजित अपराध गोष्ठी में डीएसपी ने दी है। डीएसपी अजय कुमार ने बताया कि अपराध गोष्ठी में पुलिस पदाधिकारियों को जेल से हाल में निकले अपराधियों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थलों से विशेषकर मोटरसाइकिल की चोरी, घरों से चोरी की घटनाओं एवं नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने सहित अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया। थाने का थानेदारों के साथ क्या है ये मीटिंग? महीने का क्राइम मीटिंग हम लोग का हर माह होता है। इसी अपराध गोष्ठी में जो पूरी माह की जो अपराध समीक्षा होती है थाने स्तर पर की जाती है। स्थानीय अभी यहाँ पे थाना प्रभारी बुंडू, सीआई तमार, सीआई सोनाहातु, थाना प्रभारी दशम फॉल सोनाहातु, तमार, राहे, महिला थाना प्रभारी सभी उपस्थित हैं। महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चा हुई है, जो अपराधी जो जेल से निकल रहे हैं वही पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार उन पर कड़ी निगरानी रखनी है। उसकी गतिविधियों को देखा जाना है कि वर्तमान में कोई अपराध कर रहा है कि नहीं। इसी संदर्भ में अभी हाल में कई जगह पे कई स्कूल्स में चोरी वगैरह हो रहे हैं, उसके संबंध में कुछ वहाँ के मोटर, वहाँ के बुक्स, वहाँ के पंखा, ये सब कई स्कूल से खोला गया है। इसमें एक चोर पकड़ाए भी हैं, हम लोग उसको जेल भी भेजे हैं। सार्वजनिक स्थल पे जो कुछ कहीं मोटरसाइकिल चोरी की भी बात होती है उस पर नज़र रखना है। खासकर रात में जो बंद घर होते हैं वहाँ पे भी चोरी की घटनाएं हो सकती है, उस संबंध में भी विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा जो वारंट कुर्की इश्तेहार जो पेंडिंग है उसका निष्पादन करना है। जमीन विवाद से संबंधित अगर कोई मामला आता है उसको त्वरित गति से गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों पर कार्रवाई करनी है। जमीन विवाद के संबंधित मामलों को लेकर कोई बड़ी घटना न हो जाए इस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा जो नक्सली हिंसा में मारे गए हैं, जो आश्रित हैं, उनके परिवारों के हलचल को जानना है। इसके अलावा जो नक्सल है, नक्सल की गतिविधियों को भी हम लोग काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं। अभी हाल में ट्राई जंक्शन पे चाईबासा, सरायकेला और खूंटी के बॉर्डर पे अभी एनकाउंटर भी हुआ है, इसमें नक्सलियों का मनोबल काफ़ी टूटा हुआ है। और हम वो तमाम नक्सली जो कि मुख्य धारा से भटके हुए हैं, तमराना थाना के अमित मुंडा, बारू खातू का गुलशन मुंडा, इन सभी से आग्रह है कि सरकार की जो नई दिशाएं, नई पहल, जो आत्मसमर्पण की नीति है उसका लाभ उठाएं और मुख्य धारा में शामिल हो। सभी लोगों को सरकार के द्वारा ओपन जेल मुहैया कराया जा रहा है, पूरी मान प्रतिष्ठा के साथ उनको रखा जा रहा है। उनके हर संभव सभी पहलुओं पे, उनकी आर्थिक पहलुओं से लेकर सभी पहलुओं पर मदद की जा रही है, तो उनका लाभ उठाना चाहिए। कुछ समस्याएं आई हैं, अभी हाल में 3 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी से भी अपने अपने क्षेत्र में जो ओझा तांत्रिक है इनकी एक सूची तैयार करें और जनप्रतिनिधि जो समाजसेवी है, जो लोग एनजीओ के लोग हैं उनके साथ बैठक करके प्रचार प्रसार करें ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। और साथ ही साथ जो समाज ग्रामीण क्षेत्र में जो शराब का कारोबार होता है, जो देसी शराब का, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करें और वैसे लोगों को की गिरफ्तारी करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।